हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बुक कीपिंग के बारे में। इसमें हम इसकी मीनिंग डिफिनीशन के साथ साथ यह भी समझेंगे कि बुक कीपिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, बुककीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। बुककीपिंग की शुरुआत एक कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने से होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो या जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है या इनकी पहचान की जाती है कि इनका रिलेशन बिजनेस और पैसों से है या नहीं। तब जाकर इन्हें प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में डेली बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं और मनी से रिलेटेड होते हैं, चाहे वह कैश में हो या क्रेडिट में हो, सबकी रिकॉर्डिंग की जाती है। आइए इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यह डिफिनीशन है जे आर बैटली बॉय के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक स्किल है, और किस तरह की स्किल है या आर्ट है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। सेट ऑफ बुक्स में जैसे जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करना, इस तरह बिजनेस में जैसे ही कोई लेन देन होते हैं उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग की जाती है। अब लेन देन से क्या मतलब है कि रोज़ आखिर कैसे लेन देन या ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें जैसे जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वह कभी अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर रहा है, कभी गुड्स को सेल कर रहा है। इसके अलावा उसके अलग अलग खर्चे भी हो रहे हैं, उन्हें भी वह पे कर रहा है, उनका भुगतान कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है, यह सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और इन सारे ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन कहते हैं, और बिजनेसमैन इन सारे लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, और इन रिकॉर्ड करने की आर्ट और साइंस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को हम स्पेशल बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसे जर्नल बुक कहते हैं या फिर सब्सिडियरी बुक कहा जाता है। इसके बाद इनको लेजर में पोस्ट करते हैं। ये बुक कीपिंग को जो मेंटेन करता है उसे बुक कीपर कहते हैं। बुक कीपिंग का नेचर रूटीन और क्लेरिकल नेचर का होता है, और यह जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। इस काम को करने के लिए अकाउंटिंग की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे कोई भी थोड़ी बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति कर सकता है। आजकल यह काम कंप्यूटर की हेल्प से किया जा रहा है। इस तरह बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव यह होता है, यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि सभी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड करना। दोस्तों, बुककीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है इसकी एक अलग वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसमें मैं अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या क्या चीज़ें बुककीपिंग में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग में आती हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे भी ऐसे ही शॉर्ट और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें, ताकि आगे की आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।